हेलो। देखिए, हमने फिज़िकल एजुकेशन क्लास 11th का जो सिलेबस है वो स्टार्ट किया है। अब देखिए, फिज़िकल एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है। दी वर्ड फिज़िकल मीन्स इज बॉडली एंड ट्रेनिंग इज लर्निंग। बोलते हैं फिज़िकल का मतलब है बॉडली एंड ट्रेनिंग इज लर्निंग। जो हम ट्रेनिंग लेते हैं इसका मतलब है लर्निंग। द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्ट्रेसेस ऑन द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड। हमने पढ़ा था कि जो ओल्ड कंसेप्ट है फिजिकल एजुकेशन का, उसका मतलब होता है डेवलप विगर एंड प्रिपरेशन फॉर वॉर, कि युद्ध के लिए तैयार होना, प्रिपेयर होना। ये फिजिकल एजुकेशन का ओल्ड मीनिंग था। बट न्यू कंसेप्ट जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो बोलता है फिजिकल एजुकेशन स्ट्रेसेस ऑन द बैलेंस डेवलपमेंट होल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड की जो होती है उसे बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन का मॉडर्न कंसेप्ट। देखिए, फिजिकल एजुकेशन का जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसका मतलब है डेवलप्ड बैलेंस्ड, फुली डेवलप्ड होना। दैट इज फिजिकल फैकल्टी, मेंटल फैकल्टी, सोशल फैकल्टी, इमोशनल फैकल्टी। मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन बोलता है जो फिजिकल एजुकेशन है ये दो वर्ड से मिलके बना है, फिजिकल एंड देन एजुकेशन। फिजिकल एंड एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन दो वर्ड से मिलके बना है, फिजिकल एंड एजुकेशन। अब आगे देखिए, दो वर्ड से मिलके बना है फिजिकल एंड एजुकेशन। एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। एजुकेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ लर्निंग विच मॉडिफाइज आवर बिहेवियर टूवर्ड्स प्रोग्रेस। बोलता है एजुकेशन एक ऐसी लर्निंग है, एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करती है टूवर्ड्स प्रोग्रेस, हमें प्रोग्रेस की तरफ ले जाती है। एजुकेशन हमारे बिहेवियर को चेंज करती है। अब द वर्ड एजुकेशन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द होल सम मेन टूवर्ड्स हैप्पी लिविंग। बोलता है हमारी पूरी इंटायरली डेवलपमेंट जो करती है वो कौन करती है? एजुकेशन। विदाउट एजुकेशन मेन जो है उसकी जो है डेवलपमेंट नहीं हो सकती। इंसान की फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, माइंड, बॉडी, हर डेवलपमेंट वो कौन करता है? थ्रू एजुकेशन मेन परफेक्ट बन सकता है। अब देन फिजिकल, द वर्ड फिजिकल स्टैंड्स फॉर द बॉडी मूवमेंट। बोलते जो फिजिकल है वो हमारी कौन सी मूवमेंट करता है? हमारी बॉडी की मूवमेंट करता है, फॉर बॉडी की डेवलपमेंट करता है। बट जो एजुकेशन है हमारी होल सम ऑल टोटल डेवलपमेंट करती है। फिजिकल एजुकेशन इज़ ए पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन। बोलता जो फिजिकल एजुकेशन है वो हमारी जनरल एजुकेशन का एक हिस्सा है। इट इन्वॉल्व्स दोज एक्टिविटीज़ विच हेल्प टू अचीव द गोल ऑफ एजुकेशन। बोलता है फिजिकल एजुकेशन वो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करती है जिससे हम अपने एजुकेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। द गोल ऑफ एजुकेशन इज़ द ऑलराउंड डेवलपमेंट। बट एजुकेशन का मेन गोल क्या है? ऑलराउंड डेवलपमेंट, इंसान की ऑलराउंड डेवलपमेंट करना। रियल एम ऑफ एजुकेशन इज़ फिजिकल। बोलता है रियल एजुकेशन का, रियल एम क्या है एजुकेशन का? हमारी फिजिकल डेवलपमेंट करना, हमारी मेंटल डेवलपमेंट करना, हमारी इमोशनल डेवलपमेंट करना। किसकी? चिल्ड्रन की। ये आपका था कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मॉडर्न कंसेप्ट। ये आपने देख लिया ये। हाँ जी, देन नेक्स्ट देखिए, ये बुक से है जो मटेरियल, ये आप सारा देख लीजिए फिजिकल एजुकेशन का। ये मॉडर्न का एजुकेशन, मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन दो वर्ड में डिवाइड है, ये देख लीजिएगा। ये जो मैंने आपको सारा अभी समझाया है ये सारा यहीं से है, ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है। फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स टू अचीव द एम्स ऑफ एजुकेशन। बोलता है फिजिकल एजुकेशन हमें हेल्प करती है हमारे एजुकेशन के एम्स को अचीव करने में। फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स टू डेवलप द बोथ बॉडी एंड माइंड, हमारे माइंड और बॉडी को दोनों को डेवलप करती है। फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स द डेवलप टोटल पर्सनैलिटी। फिजिकल एजुकेशन हमारे टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करती है। फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स टू डेवलप कंप्लीट एंड बैलेंस्ड फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल फैकल्टीज ऑफ बॉडी। देन फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स टू अचीव द एम्स ऑफ एजुकेशन। ये आप फ्लो चार्ट देख लीजिएगा। देन ये देख लीजिएगा, एक यहाँ डेफिनेशन आई हुई है। फिजिकल एजुकेशन इज द फील्ड ऑफ एजुकेशन विच डील्स विद बिग मसल एक्टिविटीज एंड द रिलेटेड रिस्पॉन्सेज। बोलता है फिजिकल एजुकेशन कैसे डील करती है? हमारे बिग मसल एक्टिविटीज से, अकॉर्डिंग टू GB नाश ने डेफिनेशन दी थी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।